और जिन सब्सक्राइबर का मैं इंतज़ार कर रहा था वो आए नहीं, शायद किसी ट्रैफिक वगैरह में फंस गए। तो चलें कोई बात नहीं, फिर कभी उनसे मुलाकात करेंगे। अरे ये आ गए भागते हुए, कहाँ रह गए थे भाई? ओहो अस्सलामुअलैकुम। धुंध के मौसम में जब हद निगाह बहुत कम रह जाती है तो हिफाजती इकदामात के तहत मोटरवेज को भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन इसी मौसम में रेल के सफ़र को सबसे महफूज समझा जाता है और वो रवां दवां रहती है। ऐसे ही मौसम में मुझे हाल ही में कराची से लाहौर तक सफ़र करने का मौका मिला और सच पूछिए तो सर्दी तो बहुत लगी लेकिन इंजॉय भी खूब किया। ये बात है 18 जनवरी 2022 की, जब मैं कराची से लाहौर तक सफ़र करने के लिए कराची के एक सब स्टेशन ड्रिग रोड जंक्शन पहुंचा। ड्रिग रोड जंक्शन एक पुरसकून स्टेशन है और रेल फैंस का भी पसंदीदा है। अक्सर आपको यहां मुसाफिरों से ज़्यादा गुजरती हुई रेलगाड़ियों को देखने वाले नज़र आएंगे। आज कराची से लाहौर तक सफ़र करने के लिए मैंने जिस ट्रेन का इंतखाब किया वो थी 9UP अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। सफ़र शुरू करने से पहले आपको कुछ इस ट्रेन के बारे में बताता चलूँ। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जैसा नाम से जाहिर है, ये शायर मशरक जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से निस्बत रखती है, और चूंकि डॉक्टर अल्लामा इकबाल का ताल्लुक सियालकोट से था इसीलिए ये ट्रेन कराची और सियालकोट के दरमियान चलती है। इस ट्रेन में तमाम इकॉनमी क्लास कोचेस लगाई जाती हैं और पूरे सफ़र यानी कराची से सियालकोट का किराया सिर्फ 1700 रुपये है, जबकि कराची से लाहौर 1600 रुपये का है। कराची से सियालकोट के दरमियान 9UP अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के स्टॉप्स ये हैं। ये तो हो गया इस ट्रेन का तारुफ, अब आते हैं अपने सफर की तरफ। इस वक्त मैं हूँ ड्रिग रोड जंक्शन पर और ये कबूतरों की पार्टी चल रही है। आज मेरा सफ़र है 9UP अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में कराची से लेकर लाहौर तक, और मैं कराची के एक सब स्टेशन ड्रिग रोड से इस पर सवार हो रहा हूँ। मेरे साथ आज सफ़र करेंगे बिलाल, जो ऑलरेडी मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और इसके अलावा बिलाल के वालिद साहब भी आज सफ़र कर रहे हैं, और ये मेरे चाचू हैं जो मुझे छोड़ने आए हैं। कुछ रेल फैंस भी आज मिलने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आज के टाइम हमने देखा आपको सुफियान भाई यहाँ पर वीडियो शूट करते हुए, तो इसलिए हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए। आप बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाते हैं और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लोर करते हैं। हम आपके टाइम को देखते हुए और काम को देखते हुए इसकी बहुत मुबारकबाद देते हैं और आपके तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह रेल फैन को सिलसिले को जारी रखें। थैंक यू। ये समंदर बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सीजन रेल फैंस भी है, मोहसिन स्पंकी भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं कैसे? बिलाल भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आज कौन से केसीआर स्टेशन की आप वीडियो बना रहे हैं? मैंने कल डाली थी मॉडल कॉलोनी की, और अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आएगी वो आएगी मलीर कैंट की। चलें मलीर कैंट की हमें दिखाएं जल्दी। मलीर कैंट की जो है ट्रेन पहुंच चुकी है, लेकिन एक छोटे से क्लिप पे शेयर करूंगा, डिटेल वीडियो बाद में आएगी। चलें ठीक है, ठीक है, ओके। बिलाखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और 9UP अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस GEU-20 लोकोमोटिव के साथ आ रही है। हमारी ख्वाहिश थी कि आज इसको AG-30 लीड करे, लेकिन चलें GEU-20 भी चलेगा।
9UP अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कराची से सियालकोट के लिए चलती है और दरमियान में लाहौर भी जो है बरास्ता लाहौर जाती है। ट्रेन में सवार होते हैं। बिलाल तेजी से सामान रख रहे हैं। हाँ मिल के आ जाओ। सफ़र शुरू हो चुका है ड्रिग रोड जंक्शन से और अभी हमने अपना सामान वगैरह सेट नहीं किया है। जैसे ही जो है वो थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो सामान वगैरह भी सेट करते हैं। अभी तकरीबन मलीर से हम गुजरने वाले हैं और जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ ये मेरा होम टाउन स्टेशन है। एक रेल फैन भी मौजूद थे इधर जो ट्रेन को शूट कर रहे थे। कराची के जो नेक्स्ट सब स्टेशन है लांडी जंक्शन, वहाँ पर अभी ट्रेन रुकेगी और सबसे ज़्यादा मुसाफिर लांडी जंक्शन से ही इस ट्रेन पे सवार होते हैं। अभी देख लें कितना ज़्यादा रश मौजूद है जो दूर से ही नज़र आ रहा है। कैसी ब्रेक लगाई है आज इसने? जबरदस्त। लांडी जंक्शन पर आपको आज के अपना लोकोमोटिव भी दिखा दूं जो GU-20 4557 है। GU-20 जनरल इलेक्ट्रिक USA का इंपोर्टेड पाकिस्तान में लेटेस्ट इंपोर्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी आइडल साउंड सुनिए। लगता है ये भी रेल फैन है। रेल फैन हो? आज जो स्पेशली हमने बुकिंग कराई है वो 16 नंबर कोच में कराई है जो अप साइड जाते हुए इंजन से दूसरी कोच बनती है और उसकी एक ख़ास वजह ये भी थी कि आपको इसके वेसल्स वगैरह भी सुनाए जाएं। तो चलें बैठते हैं हम। ज़बरदस्त किस्म का GU-20 का डिपार्चर ऑन हो चुका है। चलें बैठते हैं अब ट्रेन में और आपको थोड़ा सा कराची से बाहर निकलते हैं तो ट्रेन का इंटीरियर भी दिखाता हूँ। आज की जो मेरी कोच है वो CFI कोच है, यानी कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में बनाई गई है और कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद की जो इकोनॉमी क्लास कोचेज़ हैं वो मुझे थोड़ी खुली खुली होने की वजह से पसंद है।
और ये इसमें आग बुझाने का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो भी मौजूद है। ये इमरजेंसी चेन है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रेन रुकवानी हो तो इससे ट्रेन का प्रेशर रिलीज हो जाता है और ट्रेन रुकती है। गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर 2000 रुपये जुर्माना भी है। CFI कोच में जो लेफ़्ट साइड है वो केबिन्स 6 बर्थ्स होती हैं और राइट साइड पर पैसेज की सीट्स हैं। आज बिलाल मेरे साथ मौजूद है तो हाँ बिलाल यार, ये दरमियान वाली सीट तो आप प्लीज़ खोल के दिखाएं। जी सर, जो आपका हुक्म। दरमियान वाली जो बर्थ है वो जब सोना हो तो उसे खोल देते हैं, लेकिन जो नीचे वाली बर्थ है उसमें ज़रा जगह कम रह जाती है और थोड़ा घुटन का एहसास होता है बंदे को। इसके अलावा जो जो टॉप बर्थ है उसमें जो कोई भी बंदा है वो आसानी से बैठ भी सकता है, जबकि जो CNR कोचेज हैं उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऊपर वाली बर्थ पे बंदा बैठ सके। तो हर तरह की कोचेज में कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो CNR कोच का जो CFI कोच का जो मैंने एक फ़ायदा तो ये आपको बता दिया कि ऊपर की बर्थ पर आप बैठ सकते हैं और थोड़ा घुटन का एहसास नहीं होता है, थोड़ी रोशन भी है। लांडी से एक भाई सवार हुए हैं ट्रेन में और उनके पास ये एग्जॉटिक बर्ड्स, ये ज़ेब्रा फिंचेस कहलाती हैं, वो लेके जा रहे हैं। भाई ये पालने के लिए ले जा रहे हैं आप? जी जी, पालने के लिए ले गया। तो ये जो फिंचेस हैं इनकी क्या प्राइस है? 3000 रुपये फेयर। इतना महंगा? जी जी, हैदराबाद में 3500 रुपये फेयर। अच्छा, तो ये आप शौक के लिए कर रहे हैं या कारोबार है आपका? कराची से निकलने के बाद अब दावेजी रेलवे स्टेशन से बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में क्रूज़ कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा स्टेशन थ्रू पास, बहुत ही ज़बरदस्त। GU-20 बहुत ही उम्दा कारकर्दगी। GU-20 2000 रेटेड हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है और 17 कोचेस को खींच कर बहुत ही ज़बरदस्त रफ्तार में चल रहा है। जंगशाही से कुछ आगे अभी तकरीबन 115 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से क्रूज़ कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी है GU-20 और लिटिल चैम्पियन मैं तो इसे कहूँगा, क्योंकि इस रेटेड हॉर्स पावर के लोकोमोटिव की 17 कोचेस के लोड के साथ इतनी ज़बरदस्त रफ्तार, बहुत ही ज़बरदस्त। झिम्पीर से बहुत ही ज़बरदस्त थ्रू पास किया है और इस वक्त तकरीबन 110 की रफ्तार है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस GU-20। हवा से बिजली बनाते हुए ये पिन बिजली घर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और झिम्पीर और कोटरी के दरमियान ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे बिल्कुल ही रेलवे ट्रैक के साथ ही ये मौजूद है।
ऑल्टरनेटिव एनर्जी के लिए आजकल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे मुल्क में इस पर काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कोटरी जंक्शन पहुंचने लगी है ट्रेन, और डाउन ट्रैक पर 8205 के साथ एक ट्रेन मिली हमें। बड़ी नई नई कोचेस थी इसमें, देखते हैं कौन सी ट्रेन थी। है फोर्टी एट डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। नाइन अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का कोटरी जंक्शन पर स्टॉप 2 मिनट का होता है, और कोटरी और हैदराबाद के दरमियान दरियाए सिंध भी आता है, जिसको कई दफ़ा मैं आपको दिखा भी चुका हूँ और आज भी दोबारा दिखाऊँगा। चाय तैयार हो रही है, काफ़ी नीचा है यहाँ का प्लेटफॉर्म, और जिस जगह ट्रेन आके रुकी है इधर बहुत ही ज़बरदस्त दरख्त लगे हुए, और पूरा दरख्तों से एक कह लें साया सा बना हुआ है, दोनों अतराफ में दरख्त है। कोटरी जंक्शन से अभी चले और 8222 के साथ 152 डाउन शाह लतीफ एक्सप्रेस से आमना सामना हुआ है। वही शाह लतीफ एक्सप्रेस है जिसका अभी कुछ ही दिनों पहले प्राइवेट कंपनी एस जमील एंड कंपनी के अंडर इफ्तिताह हुआ था, और हमने उसको कवर भी किया था। आगे है मेहरान ब्रिज जो दरियाए सिंध के ऊपर बना हुआ है। कुछ ही देर में मेहरान ब्रिज से ट्रेन गुजरेगी, और यहीं पे GU-20 का बहुत ही ज़बरदस्त चगिंग साउंड भी आप सुन सकते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त, और आखिर में जीयू के विसल ने मज़ा ही करा दिया। मिलते हैं अब हैदराबाद पे। 4:52 हो रहे हैं और हम हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हैदराबाद जंक्शन से एक जो ट्रैक है वो बदीन की तरफ जाता है और एक ट्रैक मीरपुर खास खोखरा पार की तरफ जाता है। काफ़ी ज़्यादा आवाम यहाँ से भी ट्रेन में सवार होती है, जो कि आप देख सकते हैं। और इस वक्त तो सबसे ज़्यादा रश हैदराबाद पर ही होता है, क्योंकि हर आधे घंटे बाद जो है वो ट्रेन आती है यहाँ से पंजाब के लिए। आगे की कोचेस में होने का यही फायदा है कि पूरा प्लेटफॉर्म एक ही बारी में कवर हो जाता है। कुछ रेल फैंस ने हैदराबाद जंक्शन पे आने, देखता हूँ कहाँ मिलते हैं वो। हैदराबाद जंक्शन से चल पड़े, और जिन सब्सक्राइबर का मैं इंतज़ार कर रहा था वो आए नहीं, शायद किसी ट्रैफिक वगैरह में फंस गए। तो चलें, कोई बात नहीं, फिर कभी उनसे मुलाकात करेंगे। अरे ये आ गए भागते हुए, कहाँ रह गए थे भाई? ओहो चलो, और देखें इसे कहते हैं लक, आखिरी मोमेंट्स में जो है इनसे मुलाकात हो ही गई। ये मेरे काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं और हैदराबाद से काफ़ी दूर रहते हैं, और किसी दूसरे गांव से जो है वो आज मिलने के लिए आ रहे थे। और तो बस देखें, ट्रैफिक में फंसने की वजह से टाइम से पहुंच नहीं सके, लेकिन बिल्कुल ही आखिरी लम्हात में भागते हुए चले उनसे मुलाकात हो ही गई। क्या हुआ? डेंजर विसल, बहुत ही खतरनाक डेंजर विसल था है। चलें, ये कुछ फ्रेश फ्रूट्स हमारे सामने, जो कि कुछ चाहने वाले लेकर आए हमारे सब्सक्राइबर्स ही। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बिलाल भाई प्लीज़ डू द नीडफुल। आज 18 तारीख को, 18 जनवरी 2022 को एक अफसोसनाक वाकया भी हुआ है पाकिस्तान रेलवेज़ से रिलेटेड। जाफर एक्सप्रेस जो कोयटा और पेशावर के दरमियान चलती है, वो बलूचिस्तान में मुशकाफ रेलवे स्टेशन के नज़दीक उसको तखरीबकारी का निशाना बनाया गया, और उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। कुछ उसकी तस्वीर अभी हमारे पास पहुँची थी, तो वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। बहुत ही अफसोसनाक वाकया ये, आज 18 जनवरी 2022 को मुशकाफ रेलवे स्टेशन जो सिब्बी और कोयटा के दरमियान वाक़ है वहाँ पेश आया है, और उसमें होने वाले जानी और माली नुकसान पर हम तमाम रेल फैंस और पूरी कौम अफसरदा हैं।
खेतों और खलियानों के दरमियान शाम का डूबता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देता है। इस वक्त ट्रेन टंडो आदम जंक्शन के आसपास है और बहुत ही अच्छी स्पीड में क्रूज़ कर रही है और मैं खिड़की में से सूरज के ग़ुरूब होने का नज़ारा देख रहा हूँ और अल्लाह ताला की कुदरत की तारीफ़ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। शाम के 5:55 हो रहे हैं और 25 मिनट लेट अपने शेड्यूल टाइम से हम टंडो आदम जंक्शन पहुंच रहे हैं। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का टंडो आदम जंक्शन जो कि फॉर्मर जंक्शन हुआ करता था वहां पर स्टॉप है और मैं दूर से ही देख रहा हूं कि काफ़ी लोग मौजूद हैं इस पर सवार होने के लिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है सर? ठीक ठाक। और बताएं, खैर है? खैर है। तो क्या आप अभी आप बता रहे थे पीछे? हम आपकी वीडियो देखते हैं टोटल सारी। अच्छा, बहुत अच्छी लगती है ट्रेनों की। तो अभी आपने कैसे जो अब मैं पीछे बैठा हुआ था तो आपके ऊपर अचानक नजर गई है तो इस वजह से अच्छा। मैंने आपको देखा इसलिए जल्दी में भागता हुआ आया क्योंकि डाउन था सिंगल इसका अल्लामा इकबाल का। चलो यार, बहुत खुशी हुई मिलके। ओके, सही है, दोबारा फिर मिलेगा। जरूर जरूर। ये थे सुफियान भाई के सब्सक्राइबर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है कि हर जगह कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है। अब टंडो आदम जंक्शन से रवाना होने लगे, अगला स्टॉप इसका होगा नवाब शाह जंक्शन। मगरिब की अजानें भी हो रही हैं। सूरज ग़ुरूब हो चुका है और रात के खाने का वक्त भी हो चुका है। आज के मेन्यू में है पराठे और चिकन स्टू और दोनों ही मेरे बड़ी फेवरेट हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। नवाब शाह जंक्शन पहुंच चुके हैं और मुकम्मल अंधेरा है बाहर। इस वक्त मेहराबपुर से कुछ पहले क्रूज़ कर रहे हैं और स्पीड है 112-114 इसके करीब। GU-20 का बहुत ही ज़बरदस्त रन।
मेहराबपुर पहुंच चुके हैं और तकरीबन एक घंटा लेट है ट्रेन। अब इसका अगला स्टॉप होगा रोड़ी जंक्शन, तो वहां पर नीचे उतर के ज़रा वॉक शॉक करेंगे और देखेंगे कि प्लेटफॉर्म के क्या सूरत हाल है। रात के 10 बज रहे हैं और ट्रेन इस वक्त रोड़ी जंक्शन पहुंच रही है। चार सौ 78 किलोमीटर मार्कर है रोड़ी जंक्शन पे और मेन लाइन 1 का ये स्टेशन है। यहाँ से ML3 का भी जो है वो लाइन निकलती है कोयटा के लिए। यहाँ के स्टॉल्स पर खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। खाने पीने के स्टॉल्स और सुवेनियर्स के स्टॉल्स पर रौनक लगी रहती है और मेरे सामने एक स्टॉल है जहाँ सिंधी अजरक मिल रही है मुख्तलिफ डिज़ाइंस की। और ये मेवेदार हलवा भी है, सिंधी टोपी, शिकारपुर का अचार और रोड़ी शक्कर की सौगात, खजूरें और छुआरे। सर बड़ी अच्छी वैरायटी आपने रखी हुई है। पहला डिपार्चर विसल हो गया है रोड़ी से और इस वक्त टाइम हो रहा है 10:23 और ट्रेन ने काफ़ी टाइम कवर किया है। अभी ट्रेन इस वक्त तकरीबन 16 या 17 मिनट लेट है सिर्फ। चलें बैठता हूं अपनी कोच में। अब मैं सोने के लिए लेट चुका हूं और दरमियान वाली बर्थ पे मैं लेटा हुआ और ये एक रज़ाई मैंने ली है जो घर से लेके आया था। सर्दियों के मौसम में इस किस्म की रज़ाई सोने का लुत्फ दुबाला कर देती है। तो चलें अब सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं। गुड नाइट। इस वक्त सुबह के 5:40 हो रहे हैं और 9UP अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस खानेवाल जंक्शन पहुंच गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा रात का और मैं तो सो रहा था गहरी नींद। तमाम स्टेशंस और ख़ास तौर पे कॉर्ड लाइन जिसके ज़रिए ये आती है उसको इसने रात के अंधेरे में ही क्रॉस किया है तो उसकी कवरेज तो नहीं हो सकी, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अपने टाइम पर है और सिर्फ शायद 20-25 मिनट लेट है।
अभी चीचावतनी के नज़दीक किसी जगह से ट्रेन गुजर रही है और हवा में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा धुंध है और धुंध के मौसम में विजिबिलिटी जब कम हो जाए तो फिर ट्रेन डिले होना शुरू हो जाती है। बहरहाल अभी तो ट्रेन अच्छी स्पीड में जा रही है क्योंकि चीचावतनी से हड़प्पा तक का ब्लॉक सेक्शन क्लियर है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। टेम्परेचर इस वक्त 9 डिग्री सेंटीग्रेड है और ट्रेन की सब खिड़कियां सबने बंद की हुई हैं और मुझे भी ठंड लग रही है, मैं भी अंदर ही जा के बैठता हूँ। वैसे तो सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा होता है लेकिन ठंड ज़्यादा हो तो फिर अनबियरेबल भी हो जाता है। सुबह के 7:40 हो रहे हैं और साहिवाल रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं हम। हवा में काफ़ी ज़्यादा धुंध नज़र आ रही है लेकिन विजिबिलिटी फिर भी थोड़ी बहुत है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी हो। जैसा कि आपको पहले भी कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, साहिवाल पाकिस्तान का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है और इस वक्त हम लूप लाइन पे चढ़ चुके हैं और प्लेटफॉर्म पे भी पहुँच चुके हैं। जल्द ही साहिवाल की नई बिल्डिंग जो है वो आ जाएगी। यहाँ की मेन लाइन जॉब साइट की उस पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है और अभी शबनम ऐसे गिर रही है जैसे पानी के कतरे, ऐसा लग रहा है हल्की हल्की बारिश हो रही है। 4557 आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ, बहुत ही ज़बरदस्त रन इसने किया है और कराची से लेकर यहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही आला रही है। जनरल इलेक्ट्रिक रॉक्स। बहुत ही खूबसूरत इंजन। 8:23 हो रहे हैं और ओकाड़ा रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए। शहर से बाहर काफ़ी गहरी धुंध थी लेकिन शहर में इसका ज़ोर थोड़ा कम है। ओकाड़ा रेलवे स्टेशन की नई नवेली बिल्डिंग, अब अगला स्टॉप होगा पत्तों की। कब्ज की वजह से बवासीर, कब्ज की वजह से जोड़ों का दर्द, कब्ज की वजह से अरी वाक का दर्द। अरी और वाक के दर्द की क्या निशानी है, कभी दर्द बाजुओं में, कभी टांगों में, कभी पट्ठों में, कभी कमर में, जिस्म के हिस्सों में चलते फिरते रहना इसे अरी कहते हैं। वाक कहते हैं जोड़ों के दर्द को। 4 मासे थकी रात को खाना खाने के बाद खाले, सुबह उठे पखाना खुल के आई, कब्ज टूट जाए, मेरी वाक का दर्द खत्म हो जाए, समझ लेना फकी अच्छी होगी। इसमें चीजें डाली चारे नमक, सोए जवैन हड़, साना मक्की बर बंसा, पुदीना सौंपली शादर, दार चीनी तुम्मा आमले, भेड़े जीरा कलवंजी, पनीर डोडी गुलाब के फूल। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के पास से गुजर रहे हैं
और 85 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अभी ट्रेन हॉल कर रही है। मौसम में थोड़ी बहुत धुंध है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। खैर फिर भी कॉशियसली थोड़ा सा चलना पड़ता है। देखते हैं पतोखी कितने बजे पहुंचते हैं। वैसे तो ये सेक्शन कैपेबल है 110 प्लस। सुबह नाश्ते का वक्त है और बिलाल साहब सैंडविच बना रहे हैं जैम का। जैम नहीं है बल्कि मार्मलेड है। मार्मलेड में जो छिलके हैं वो भी शामिल होते हैं साथ ही साथ। तो ये ऑरेंज मार्मलेड है तो इसमें किन्नू के छिलके एडेड हैं। बस सिंगल सिंगल। थैंक यू। ये आप पकड़े ताकि मैं सीधे हाथ से खाऊंगा। ओके सर। ऐसा लग रहा है किन्नू के छिलके खा रहा हूँ। क्यों कड़वा? ड्राइवो एक्सप्रेस से इस वक्त रेस हो रही है हमारी। ट्रेन जीत गई। ये ट्रेन में भी एक नबीना बाबा है, वो शाही मेवा और मुख्तलिफ चीज़ें बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए जो माजूरी के बावजूद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। पतोकी के नज़दीक हैं और यहाँ पतोकी अपनी नर्सरियों की वजह से बहुत मशहूर है। रेलवे ट्रैक और रोड के साथ साथ लातादाद नर्सरियाँ मौजूद हैं जिनमें अनवा इकसाम के पौधे मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। नौ बजकर 5 मिनट हो रहे हैं और पतोकी रेलवे स्टेशन ट्रेन पहुंच रही है। अभी तक जितना भी सफ़र किया है सबसे डेंस फॉग यहीं पर मिली है। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं सुबह ही सुबह। तो बिल्कुल ही एंड पर पहुंचा दिया इसने। ठंड कैसी है? ठंड अच्छी है A1। और मेरे ख्याल में पत्तोकी पे सबसे ज़्यादा धुंध मिली है अभी तक। ज़्यादा मिली है, यहाँ पे गाड़ी भी स्लो आ रही है।
डिपार्चर विसल हो चुका है। चलें बैठते हैं वापस अपनी ट्रेन में। पिकअप तो बड़ा अच्छा है इसका। तकरीबन 9:35 हो रहे हैं और इस वक्त ट्रेन पहुंच रही है कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन। धुंध की वजह से काफ़ी स्लो चल रही है ट्रेन और हर स्टेशन टू स्टेशन थोड़ा बहुत लेट हो जाती है। काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है कोट राधा किशन का और प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ एक ड्राई पोर्ट भी है जहां आपको कंटेनर शायद नज़र आ भी रहे हों। चले उतरते हैं जरा। मुंह से धुंध निकल रही है भाई, धुआं धुआं। एक ही बात है, डिपार्चर विसल हो चुका है। क्या हाल है, पीछे क्यों खड़े हुए थे? वीडियो बनाने के लिए। चले हम चलते हैं। चलो अल्लाह हाफिज़। माता जी को बाहर ना भी ट्रेन का अगला पड़ाव होगा ड्राइविंग जंक्शन एयरपोर्ट पर। अगला स्टॉप है रायवन जंक्शन। खिड़की मैंने खोल ली है और डाउन साइड पर अभी टू डाउन खैबर मेल आने वाली है तो ठंडी हवा खाते खाते उसका इंतज़ार करता हूँ। प्रेम नगर और रायवन जंक्शन के बीच में हमारा टू डाउन खैबर मेल से टकराव होगा और आज टू डाउन खैबर मेल की लीड पर है ZTU-30-6307 लोकोमोटिव। ज़बरदस्त एक्शन था और ये बनाते बनाते तो मेरी कुल्फ़ी तकरीबन जम गई है तो खिड़की बंद करता हूँ। रायवन करीब करीब है और पैकिंग स्टार्ट हो गई है। बिलाल साहब कंबल फोल्ड कर रहे हैं और उनके फोल्डिंग करने के स्टाइल में बिल्कुल भी नज़ाकत नहीं है। भाई फोल्ड तो सही से करो, गांजा के कर देंगे। चलो
सुबह के 10 बज गए और ट्रेन फाइनली अरावन जंक्शन पहुंच गई है। अरावन जंक्शन लाहौर से बिल्कुल करीब है और इसकी जो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है वो भी हाल ही में अपग्रेड की गई है। अरावन अपने तबलीगी जमात का जो इज्तमा होता है और जमात वगैरह तश्कील पाती हैं उसके लिए बहुत मशहूर है और अभी भी इस ट्रेन में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तबलीगी जमात के जो मरकज़ हैं वहाँ जाने के लिए सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पर उतरेंगे। ये अरावन की नई बिल्डिंग अब अगला स्टॉप होगा इसका कोट लखपत रेलवे स्टेशन और वही स्टेशन है जहां पर हमने उतरना है। जिया बग्गा से अभी गुजर रहे हैं और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में भी बताया है कि यहाँ से मेरा जो घर है वो करीब पड़ता है तो लगता है कि आज भी इधर या तो पीएलसी लेने के लिए रुकेगी ट्रेन, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं उतरूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर उतरने का पूरा प्लान बना चुका हूँ। तो चलो आज रुक भी जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मैंने उतरना नहीं है इधर। ओहो सीबीआई इंस्टॉलेशन का काम जारी है जिया बग्गा पे, ज़बरदस्त। कोयलों के पहाड़ जिया बग्गा पे जो कोल फ्रेट ट्रेन है वो आती है और उसकी अनलोडिंग भी होती है इधर, तो इस वजह से ये कोल डंप्स आपको नज़र आ रहे हैं। शबनम की बूंदें ऐसे गिरी हैं जैसे बारिश हो रही है हल्की हल्की, मैं लफ्ज़ों में वो चीज़ बयान नहीं कर सकता जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ। ठंड तो है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। नहीं रुकी ट्रेन जिया बग्गा पे, बस स्लो हुई थी तो अब कोट लखपत पर ही रुकते हैं और अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं। 10:40 हो रहे हैं और 9UP अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कोट लखपत रेलवे स्टेशन पहुंच रही है और ये लाहौर का एक सब स्टेशन है, यहीं पर मेरे सफ़र का आज इख्तिताम होगा। 9UP अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा कराची से लेकर लाहौर तक और मैं बस दो बातें कहना चाहूँगा कि इस ट्रेन का नाम हमारे जो शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम पर है, इसको इट डिज़र्व्स बेटर। इसमें फौरी तौर पर एसी स्टैंडर्ड और एसी बिजनेस की कोचेस का भी इजाफा किया जाए क्योंकि इस कराची से सियालकोट जाने वाली ये सिर्फ वाहिद ट्रेन है और इसमें तमाम 17 की 17 इकॉनमी क्लास कोचेज हैं, तो सियालकोट के शहरी और फिर इतने बड़े नाम के ऊपर ये ट्रेन है तो ये डिज़र्व करती है। एक मिनट ठहर ले।
और कोट लखपत हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे दाखिल होते हुए मेरे कैमरे की बैटरी ने जवाब दे दिया था, हालांकि उसमें 20% शो हो रहा था, लेकिन शायद ठंड की वजह से उसको ज़्यादा ठंड लग गई। और अब ये यहाँ से रवाना हो रही है, डिपार्चर विसल हो गया है और सेकंड डिपार्चर विसल भी हो चुका है। बिलाल साहब भी इसको रवाना कर रहे हैं और ये बिलाल के भाई भी आए हैं रिसीव करने। हम लाहौर से आए, लाहौर की तरफ ही जा रहे हैं। चलें, शुक्रिया सर। ज़बरदस्त, और कुल 20 घंटे का सफ़र रहा हमारा और बहुत ही मज़ा आया, मैं तो यही कहूँगा। रात को नींद भी बहुत ही अच्छी आई, तो इंशाल्लाह फिर किसी नए सफ़र के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। देखते रहिए पाक रेलोग्राफी। अल्लाह हाफिज़।